मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल एकेडमी ICA में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जिससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न हमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों, ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में ही हमने आपसे डिस्कस किया था कि ग्लोब पर यानी ग्लोब पर जो भारत की अवस्थिति है यानी लोकेशन है वो कैसी है। आज हम लोग इसी को अपने इस मैप में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये मैप है वर्ल्ड का और इसमें अगर हम लोग इधर देखें, ये हम लोग जो है इस तरफ देखें, ये 0 डिग्री, तो ये है इक्वेटर जिसके बारे में मैं उस दिन चर्चा कर रहा था। तो ये है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसी प्रकार से 0 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूड ये जा रही है, 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच एरिया से गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसको GMT यानी ग्रीनविच मीडियन टाइम रेखा भी बोल दिया जाता है। दोस्तों, इसमें हम लोग ने ये देखा था कि ये जो इक्वेटर है ये वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, तो उसमें जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उसमें और ईस्टर्न साइड में, तो यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में हम लोग ने देखा था कि इंडिया है। आज हम लोग इसी को मैप पे देखते हैं। तो देखिए, ये भूमध्य रेखा जा रही है, ये इंडिया है और ये 30 डिग्री जो है हमारी 30 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है। इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो ये एक जा रही है कर्क रेखा जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा जा रही है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये कर्क रेखा वैसे तो कई सारे देशों से और कॉन्टिनेंट से गुजरती है जिसको कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के समय में इसका हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे कि ये किन किन कॉन्टिनेंट से किस किस देशों से होकर गुजरती है। फिलहाल हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में ये किन किन राज्यों से और किन किन महत्वपूर्ण सिटीज से होकर गुजरती है उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो ये वही रेखा देखिए यहाँ पे चली आ रही है, ये है हमारी अक्षांश रेखा जो कि 23.5 डिग्री होती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही जब दक्षिण साइड में दक्षिणी हेमिस्फीयर में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर ये हो जाती है मकर रेखा। फिलहाल हम लोग कर्क रेखा का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक तरह से देखें तो ये कहीं ना कहीं इंडियन पूरा इंडिया का जो मैप है उसको लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, तो यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा। अगर प्रश्न आए कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो वो देखिए बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, ठीक है, लगभग बीचों बीच से ही ये गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर सबसे पहले तो कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इसी पर आते हैं, कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो देखिए, एक तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है गुजरात, दूसरा दिखाई दे रहा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा ये झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल और सातवां ये है त्रिपुरा। ये देखिए त्रिपुरा इधर लिखा हुआ है, तो ये त्रिपुरा है और आठवां है मिज़ोरम। तो दोस्तों, टोटल ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। इसका कुछ एक याद करने की ट्रिक्स भी होती है जिसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये आपको बता दें कि इसमें प्रश्न केवल जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये तो पूछा ही जाता है कि ये कितने स्टेट से होकर गुजरता है और किस किस स्टेट से होकर गुजरता है, इनमें से आप निम्न में से छांटिए उसको, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो साथ ही इसके साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में कौन कौन से स्टेट हैं या पूर्व से पश्चिम में, ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। और इसी में अगर एक लेवल और बढ़ के पूछा जाता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में PCS या IAS में पूछा जा चुका है, तो उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि वो गुजरात के
जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं या मध्य प्रदेश की सिटीज़ हैं या छत्तीसगढ़, तो इनके भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ से रिलेटेड पूछ लेता है कि कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से ये समझते हैं कि इसमें जो ये किन किन जगहों से होकर गुजरता है, किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार। दोस्तों इससे अगर हम लोग देखें तो आठ राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें मित्र मा से आ गया मिजोरम, मा से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, ये पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से आपका हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और इसी प्रकार से जब झारखंड में पूरा झार से हो गया झारखंड। तो दोस्तों ये एक ट्रिक तो हमें मिलती है कि मित्र पर गमछा झार यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आठ जगहें हो गई। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया जाए कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसको सजाइए तो यहाँ पर ये ट्रिक हमारी नहीं काम आएगी, क्योंकि देखिए ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तो ठीक है, पर उसके बाद ये राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, तो यहाँ पे ये ट्रिक गलत हो जाती है। तो अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो एक और ट्रिक यहाँ पे काम करती है, वो है गरम चीज़ बदतमीज। अब देखिए गरम चीज बदतमीज ये है, इसमें अगर ग से देखें तो हम लोग गुजरात जो कि हमारा सबसे पश्चिमी एरिया है, उसके बाद र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सी एच से छत्तीसगढ़, इसी प्रकार से जे से हो जाएगा झारखंड, झे से झारखंड हो गया, ये बी से आ जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल, टी से आ जाएगा त्रिपुरा और मिज से आ जाएगा मिजोरम। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में कर्क रेखा से, कर्क रेखा के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व अगर इस तरफ से चलेंगे तो ये पूर्व से पश्चिम हो जाएगा और इस तरफ से चलेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों ट्रिक हो गई। लेकिन अब हम लोग वापस से अगर मैप पर आएँ तो मैप पे हम लोग देखते हैं कि एक जो क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है ये कर्क रेखा किस राज्य में गुजरती है, तो यानी लॉन्गेस्ट कहाँ पर है, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। तो यानी एक प्रश्न आपका ये बन जाता है कि लॉन्गेस्ट जो है वो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो वो है मध्य प्रदेश से। दूसरा प्रश्न ये आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी कहाँ पर है। अब ये देखिए क्लियरली जो देखने पे समझ में आता है कि या तो त्रिपुरा में हो सकती है और या फिर राजस्थान में हो सकती है, लेकिन एक्चुअली ये है राजस्थान में, तो ये यहाँ पर जो है ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट रिवर है, शॉर्टेस्ट जगह है। अब दोस्तों अगर इसमें जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं,
एक पहले मैं एक और आपको फैक्चुअल चीज़ ये बता देता हूँ कि जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो एक रिवर है जो कि इसको दो बार काटती है, वो लगभग यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, ऐसे करके ऐसे जाती है, तो यानी वो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान भी जाती है, गुजरात भी जाती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, तो वो जो है रिवर है माही रिवर। तो अगर प्रश्न आए कि कर्क रेखा को कौन सी रिवर दो भागों में बांटती है, तो वो है माही रिवर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये जो इस पे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग इधर गुजरात से आते हैं तो गुजरात में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण ये जो है हमारा पड़ता है कर्क रेखा पर ही। कच्छ का रण में देखिए बहुत अच्छा रण फेस्टिवल होता है, रण फेस्टिवल जिसमें कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है नाइट शोज़ वगैरह आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो आगे बढ़ने पे हम लोग भुज देखते हैं। यहाँ पे भुज जो है, भुज में आपको याद होगा कि भूकंप आया था अर्ली 2000 डिकेड में, वहाँ पर जो है अभी हाल ही में एक म्यूज़ियम बना है जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, जहाँ पर जो भूकंप पीड़ित लोग थे उन्हीं के मकानों को वहाँ पर दर्शाया गया है ताकि उसके प्रति एक संवेदना जगाई जा सके। तो देखिए, कच्छ का रण है भुज, उसके बाद हम लोग आते हैं भुज पे। कर्क रेखा से रिलेटेड जो कुछ एक कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम लोग अगर उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखें तो हम लोग इसको जो है कर्क रेखा पर एक तरह से इसको घूम कर देखते हैं कि ये कर्क रेखा जो है वो किन किन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ से गुजरती है। क्योंकि इस पे जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो वो ये रहता है कि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम में जो राज्य हैं उनका क्रम सजाइए, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये किन किन सिटीज़ से होकर गुजरते हैं, तो गुजरात में कौन कौन से सिटीज़। तो इसको समझने के लिए देखिए हम लोग एक तरफ से घूमने चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गुजरात में कच्छ का रण एक जगह है। कच्छ का रण यहाँ पर चल के पहले हम लोग यहाँ पर एक होता है रन फेस्टिवल होता है, रन फेस्टिवल, उसमें जो यहाँ की कच्छ की जो बालू होती है उसी पर पूरा वो फेस्टिवल मनाया जाता है और बेसिकली वो नाइट लाइफ वहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है, तो नाइट लाइफ जो है वहाँ की बहुत अच्छी होती है और वो रात के समय में वो बहुत ही सुंदर दिखता भी है, आप लोग उसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो कच्छ का रण जो है वो हम लोग देखते हैं वो इसी कर्क रेखा पर ही मिलता है। उसके साथ ही देखें तो एक जगह है भुज, आप लोगों को याद होगा कि भुज में भूकंप आया था शायद 2002 में आया था भूकंप शायद, तो वो भुज जगह पर ही अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक म्यूजियम की स्थापना की है। वो वहाँ पर जो भी घर वर जो भी तहस नहस हुआ था भूकंप के थ्रू उसी की याद में एक वहाँ पे म्यूजियम बसाया गया है, तो वो भुज पर ही, भुज में ही बसाया गया है। ये भुज भी हमारा जो कर्क रेखा है उसके आसपास में ही मिलता है। भुज से जब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए गुजरात में सबसे फेमस हैं गांधी जी, और गांधी जी जो है वो उन्हीं के नाम पर गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, तो देखिए गांधीनगर भी जो है वो भी इसी के आसपास में ही है। गांधीनगर में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग तब तक अक्षरधाम मंदिर भी देख सकते हैं। एक अक्षरधाम मंदिर जो है वो दिल्ली में भी है, लेकिन जो ओरिजिनल वाला है यानी जो पहले बना हुआ था वो अक्षरधाम हमें गुजरात में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए, जब हम लोग इससे गुजरात में हम लोग भुज और ये कच्छ का रण और गांधीनगर से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में थोड़ी सी जगह में, ये सब बहुत छोटी सी जगह में ये राजस्थान से होकर गुजरता है। ये राजस्थान में इसको शॉर्टेस्ट ये होता है, ये हमने आप लोगों को बताया ही। उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, देख लीजिए आप कितनी दूर तक ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग देखें
तो मध्य प्रदेश में उज्जैन एक जगह जो पड़ती है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है शिव जी का, वो बहुत फेमस है। तो जल्दी से आप लोग इसमें दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके जब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं तो एक वहाँ पे बहुत ही फेमस सिटी है जबलपुर। जबलपुर, इस जबलपुर में देखिए आप सुने होंगे भेड़ा घाट या धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो ये जो है यहीं पे है, भेड़ा घाट या धुआंधार जलप्रपात, ये आपका जबलपुर में ही है। ये भी आपका कर्क रेखा के आसपास में ही है। तो उज्जैन है और जबलपुर है। उसके बाद देखिए तो यहीं पे एक भोपाल जो शहर है वहाँ का, मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वो भी इसी के आसपास में पड़ता है। और भोपाल जो है आपको पता ही होगा कि परमार राजा जो है, परमार राजा भोज ने बनवाया था इसको, इसकी स्थापना की थी राजा भोज ने, उसी के नाम पे इसका नाम भोजपाल या भोपाल आगे चल के पड़ा। तो चलिए मध्य प्रदेश में हम लोगों ने उज्जैन देखा, जबलपुर देखा, वहाँ जबलपुर में भेड़ा घाट धुआंधार वाला जलप्रपात देख लिया, भोपाल घूम लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग थोड़ा सा बच के चलिएगा क्योंकि यहीं पर अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ आपको पता होगा कि जहाँ पर नक्सलाइट एरिया है, जहाँ पर कि जो है बहुत ज़्यादा नक्सली गतिविधियाँ होती हैं क्योंकि वो बहुत ही घना जंगल है। तो देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बचते हुए निकलते हैं छत्तीसगढ़ से। तो फिर आगे हम लोग पहुँचते हैं झारखंड में। झारखंड में देखिए रांची जो जगह है, रांची ये अगर मैं कहूँ तो एकदम जो हमारा कर्क रेखा है उसके ठीक ऊपर ही पड़ता है लगभग। तो रांची जो है वो सबसे पास में कर्क रेखा के कहा जाता है। तो ये एक ऐसी राजधानी है जो कि सबसे पास में है। तो यहाँ पर क्या हम लोग चल के, चलिए धोनी का घर घूम लेते हैं रांची में। और रांची के बाद जब हम लोग वहाँ से आगे निकलते हैं तो देखिए आता है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो शहर है वहाँ का राजधानी है कोलकाता। देखिए कोलकाता भी कर्क रेखा के पास ही में है। तो एक बार यूपीएससी में प्रश्न ये भी आया है कि कोलकाता जो है इन चारों में से क्या आसपास है कर्क रेखा के, तो कोलकाता पास में है या फिर जो है मुंबई पास में है। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई जो है वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे वेस्ट बंगाल पूरा ख़त्म हो गया। तो इसलिए आसान सा प्रश्न था। तो ये कोलकाता जो है वो है वेस्ट बंगाल में। चलिए यहाँ से हम लोग जब आगे पढ़ते हैं तो ये तो बांग्लादेश, ये दूसरा देश आ गया, उससे हम लोग को मतलब नहीं है फ़िलहाल। अभी देखें तो त्रिपुरा जो है उसमें हम लोग चलते हैं। त्रिपुरा में देखिए तो त्रिपुरा है तो छोटा। त्रिपुरा को अगर हम लोग वैसे भी समझना चाहें तो ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है इसलिए इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये है असम, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये मिज़ोरम और ये त्रिपुरा। और इसी में जब सिक्किम मिल जाता है तो इसको बोल देते हैं सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स बोल देते हैं। फ़िलहाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो त्रिपुरा और मिज़ोरम की कर रहे हैं। तो ये देखिए त्रिपुरा और मिज़ोरम हो गया। तो अब त्रिपुरा की राजधानी आप सभी को पता होगा कि अगरतला है। अगरतला जो है वो भी आपका जो कर्क रेखा है उसी के ऊपर से गुजरती है। इसी प्रकार से त्रिपुरा में ही एक जगह है उदयपुर। उदयपुर ये भी कर्क रेखा के ही पास में है। तो उदयपुर एक राजस्थान में भी है लेकिन जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एक दो बार पूछा गया है, वो त्रिपुरा के बारे में पूछा गया है। तो इससे आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। एक ये त्रिपुरा में भी है जो कि कर्क रेखा पर ऊपर है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। उदयपुर राजस्थान वाला ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो मिज़ोरम की जो राजधानी है आइजोल, वो भी हमारा जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो कर्क रेखा पर अगर स्थित हम शहरों की बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित शहरों में सबसे पहले गुजरात में हम लोग ने देखा कि कच्छ, करण, भुज, गांधीनगर, उसके बाद जो है उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में रांची होते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उदयपुर, अगरतला, मिज़ोरम, ये सब शहरों में हम घूमें। तो देखिए यहाँ से ये तो आपका
एक मतलब जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी इस पे पड़ती हैं, वो जो है आपका प्रश्न तैयार हो जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा टफ़ करने के लिए, वो टफ़ करने के लिए इसको क्या करते हैं कि इसमें भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा पास में है। तो अगर इसमें हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ें देख लेनी है, और बल्कि उनको रट ही लेना है। अभी हमने बताया कि रांची जो है वो एकदम लगभग कर्क रेखा पर भी पड़ती है, यानी धोनी का घर आप याद कर लीजिए कि धोनी का घर जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद देखें तो दूसरा हमारा है भोपाल, भोपाल भी जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर देखें तो गांधीनगर। तो देखिए तीनों जो राजधानी हैं, रांची, भोपाल, गांधीनगर, ये सभी जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित हैं। लेकिन सबसे पास में है रांची, उसके थोड़ा सा दूरी भोपाल, उससे थोड़ा सा दूरी पे है गांधीनगर, उसके बाद है जबलपुर, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद है अगरतला, अगरतला, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं तो उज्जैन और अहमदाबाद वगैरह हैं। तो उज्जैन देखिए ये थोड़ा सा टफ़ है इनको याद करना, लेकिन इसमें आप शुरुआत के जो दो तीन हैं उनको तो याद कर ही सकते हैं। जैसे रांची एकदम एग्जैक्ट उसी के ऊपर है, भोपाल है, फिर गांधीनगर है, उसके बाद जबलपुर है। तो देखिए ये वैसे तो ये जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि किसी का 23 डिग्री 27 मिनट है, किसी का 23 डिग्री 34 मिनट है, ऐसे करके बहुत मतलब क्लोज हैं इन सब ये सारे ही। तो ऐसे प्रश्न जनरली पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग इस सिक्वेंस को अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद एक हम लोग अहमदाबाद भी रख सकते हैं। फिलहाल आप लोग इन को तो ज़रूर याद कर लीजिए, रांची, फिर भोपाल, फिर गांधीनगर, जबलपुर, अगरतला, उज्जैन। ये देखिए ये ऐसे हैं कि मतलब सबसे पास में कर्क रेखा के रांची है, उसके बाद भोपाल, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद अगरतला, उसके बाद उज्जैन। ठीक है, तो ये आपका हो गया हम लोगों ने जो कर्क रेखा से रिलेटेड जितना भी चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हम लोगों ने कर ली। इसके बाद देखिए एक जो हमने आपको बताया था कि माही रिवर जो है वो फ्लो होती है और कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये माही रिवर है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के विंध्यन रेस से निकल के ये देखिए राजस्थान वाला पोर्शन है, तो ये राजस्थान में भी जाती है, और फिर ये उसके बाद ये आ जाती है गुजरात में, और फिर गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंभात की खाड़ी में ये जाके मिल जाती है। तो देखिए माही रिवर, इस पे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है उसको दो भागों में बांटती है, तो वो है अपनी माही रिवर। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न लास्ट जो है बस एक और बचता है कि ये आपको पता है कि एक जो है रेखा, ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा अगला टॉपिक है, वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कर्क रेखा से रिलेटेड उससे एक टॉपिक बनता है तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है IST रेखा 82.5 डिग्री आप लोगों को पता भी होगा, 82.5 लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। तो देखिए ये वाली रेखा जो है ये कहाँ पर काटती है कर्क रेखा को, तो बस ये एक पॉइंट आप याद कर लीजिए कि ये काटती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है, तो यानी जो हमारा IST है और जो हमारा जो है कर्क रेखा है वो दोनों आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो देखिए कर्क रेखा से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे आज के वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।